ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। जिला हमीरपुर में महिला को रोककर गाली गलौज करना और अश्लील हरकतें करने से रोकने पर रेप की धमकी व जान से मारने की धमकी देना आम बात हो गई है। मामला सुमेरपुर कोतवाली का है, जहां पर एक फौजी की पत्नी से मोहल्ले के ही दबंगों ने अश्लील हरकतें की और गाली गलौज करने लगे। जब इसका विरोध महिला ने किया तो फामड़ी और डंडों से हमला करने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली सुमेरपुर में की, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से न्याय की गुहार लगाई है। और मेरे साथ में गंदी-गंदी गालियां देने लगे मेरे को और आभासता करने लगे और मैं आके फावड़े से काटने के लिए दौड़ा। मैं यहां पे अपने घर लोग घुस गई, बच्चे सही, और फिर मैंने 100 नंबर डायल किया। जब 100 नंबर आई उसको लेके गई और पुलिस ने 151 में धारा दे दिया। अभी कल से उनके इतने भाव बढ़े हुए, बहुत गाली गलौज शुरू किए हुए और बोलता है मैं अशोक चंदेल का खास आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अभी तो छेड़खानी किया है, अभी रेप भी करूँगा मैं तुम्हारा, बताइए ये कैसा न्याय है, मुझे न्याय दिलाने की प्लीज कृपा करें, महान दया हो। पीड़िता का कहना है कि उसका पति फौज में है और वह घर पर अकेली रहती है, जिसका फायदा उठाकर पड़ोस के ही रहने वाले राहुल भदौरिया उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने गाली गलौज करते हुए फामड़े से हमला करने की कोशिश की। तीन चार दिन से हम घर नहीं जा पा रहे, गाली गलौज देता है, कह रहा मैं विधायक आदमी हूँ, मैं किसी में नहीं रहता हूँ, घर आओ तो काट देंगे। विधायक अशोक चंदेल वो बार बार नाम लेते कि वो मेरा खास आदमी है और हम उसी के उसका पावर है हमारे पास, अब पावर नहीं दिखाते हैं, हर जगह जाते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। आज हम SP के कार्यालय आए हुए, इधर भी हमने दरखास्त की है लेकिन कुछ हमारे को हासिल नहीं हुआ है। और साथ ही कहा, अगर इसकी शिकायत किसी पुलिस वाले अधिकारियों से की तो तुझे व तेरे पति को जान से मार देंगे और तेरे पति को छेड़खानी और रेप के केस में फंसा देंगे। जिसकी शिकायत पहले पीड़िता ने आरोपी की मां से की, आरोपी की मां ने समझाने के बजाय पीड़िता का रेप करवाने की धमकी दे डाली। अब पीड़िता थानों के चक्कर लगा रही है। जब थाने में सुनवाई ना हुई तो आज इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से की गई। टाइम्स 18 न्यूज के लिए हमीरपुर राठ से योगेश साहू की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब।